हेलो फ्रेंड्स, आज 14 अगस्त 2020 है और प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है इंडिया द्वारा किया गया है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, उसी की तरह ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेनुअल एनर्जी ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ये है क्या, मैं आपको बता दूं, पहले सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए है क्या। एक्चुअल में क्या है कि ये माना जा रहा है कि ये इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया है ये इनिशिएटिव। ये है क्या कि जो सन है वो पूरी जो पूरी दुनिया में किसी न किसी पार्ट पे सन को जो है प्रोजेक्ट करता है, सन की रे जाती है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ मान लीजिए यहाँ इस एरिया में रात है और इस एरिया में दिन है, तो दिन जिस एरिया में दिन है वहाँ पे सोलर एनर्जी को ग्रिड के जरिए ट्रांसमिट किया जाए अंधेरे वाले एरिया में। ठीक है, मतलब सन किसी न किसी पार्ट पे तो हमेशा फोकस रहेगा, तो इस तरह से ग्रिडिंग को ऐड कर दिया जाए, इस दुनिया में ग्रिड को ऐड कर दिया जाए कि मान लीजिए जहाँ दिन है वहाँ की जो सन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके रात वाले एरिया में उसको ट्रांसमिट किया जाए, ग्रिड के जरिए लोग करने की इनका प्रपोजल है। आइए हम लोग देखते हैं ये इनिशिएटिव फ्यूचर, और ये इनिशिएटिव को इन्होंने अभी होल्ड पे रख दिया है। ठीक है, वन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ने इसको होल्ड पे रख दिया। ये है क्या, आप इसको देख लीजिए। प्रपोज बाय इंडिया फ्रेमवर्क ऑफ फैसिलिटी ग्लोबल कॉपरेशन इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने कहा था ना सिंपल सी भाषा में, मतलब जितना भी आपको मिलेगा वो मेरे इसी बताए हुए चीज़ के राउंड राउंड मिलेगा। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी रेनुअल एनर्जी को इंटरकनेक्टेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जहाँ रात है वहाँ एनर्जी मिले, जहाँ दिन है वहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट हो। ठीक, और जो इसकी एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेनुअल एनर्जी है। ठीक, तो इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये 140 कंट्रियाँ हैं जो अपने यहाँ सोलर एनर्जी को जो है शेयर करेंगी। मतलब ये विजन है कि सन नेवर सेट, मतलब सन तो कभी सेट नहीं होता है, कभी तो अस्त होता नहीं है। तो ये कह रहे हैं ग्रिड शैल बी इंटरकनेक्टेड विद अफ्रीकन पावर पूल ऑल्सो बी ए लेटर लेटर स्टेज। वो कह रहे हैं कि इसमें कई स्टेज में जो है हम इसको अफ्रीकन पावर पूल सब कंट्री कम बोल रहे हैं, साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, वेस्ट एशिया को, अफ्रीकन को, ठीक है, सबको कनेक्ट करने के लोग इन लोगों का प्रपोजल है। ये जो है वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल असिस्टेंस के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसके टेक्निकल असिस्टेंस से है, वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस से बना जा रहा है। कह रहा है कि इंडिया एज अ सेंटर, ये सेंटर में रहेगा सोलर स्पेक्ट्रम का, और ये लोग जोड़ कैसे रहे हैं, डिवाइडिंग इंटू टू ब्रॉड, दो जोन में बांट रहे हैं, फॉरेस्ट जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया इधर वाला पार्ट है जिसको आप ये कह सकते हैं सार्क कंट्रियाँ, और फॉर वेस्ट में जो है मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन को। लेकिन याद रखिएगा इसमें यूरोप यूरोप के बारे में भी लोग नहीं किए, ये लोग लेस डेवलप एरिया को कनेक्ट करने के चक्कर में पड़े। इन लोगों का विजन एक्चुअल में बता दूं, लेस डेवलप एरिया में ये सोलर एनर्जी के जरिए वहाँ की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दो जोन में लोग बांट रहे हैं, और क्या है, और थ्री फेज में बांटेंगे, दो जोन होगा थ्री। पहले फेज में ये लोग मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया साउथ एशिया में इस पार्ट को, साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम इस वाले पार्ट को, और मिडिल ईस्ट जो है वो आपका इराक, ईरान, सीरिया इस वाले पार्ट को पहले कनेक्ट करेंगे। उसके लेटर स्टेज में ये लोग सोलर, इसके लेटर स्टेज में जो है रिसोर्स, मतलब जिस देश में जो है रिच रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है सोलर का, उसको कनेक्ट करेंगे। और थर्ड फेज में जो है ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मतलब थर्ड फेज में क्या करेंगे, मतलब इस तरफ से उस तरफ पूरे पूरे परफेक्टली को, ईस्ट से वेस्ट को पूरी तरह कनेक्ट कर देंगे लोग। तो ये है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है आज की दूसरी न्यूज, मेगा लैब। इसको मैं आपको बता देता हूँ, एक की क्रक्स बता देता हूँ वो है क्या। एक्चुअली में क्या है ना, जो हमारे यहाँ COVID-19 का टेस्ट होता है वो आप देख लीजिए RT-PCR टेस्ट होता है, इसको कहा जाता है, या आप देख लीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। इसी के जरिए जो है, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आए इसका फुल फॉर्म बताए तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट यही होता है COVID-19 में, और इसका नेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली
पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये जो है आपका डीएनए है, तो इसमें क्या होता है, किसी एक पार्ट के डीएनए को ये लोग टेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे यदि नेगेटिव है तो ये लोगों ने कह दिया ये पर्सन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है कोविड। लेकिन मान लीजिए कोविड का वायरस यहाँ है, ठीक है, या कोविड का वायरस डीएनए में यहाँ पड़ा हुआ है, तो आदमी पॉजिटिव होते हुए भी हम नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि ये लोग नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग के टेस्ट करेंगे। सीएसआईआर कह रही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग करेंगे। ये है क्या, मैं आपको बता दूं, न्यूज़ देख लीजिए। काउंसिल ऑफ सीएसआईआर वर्किंग ऑन डेवलपिंग मेगा लैब डेवलप कर रही है रैम्प अप इस कोविड-19 टेस्ट को रैम्प अप करने के लिए, और ये लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग कर रहे हैं। वो क्या है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पूरी आपके डीएनए की चेन है, आरटीपीसीआर में क्या होता है कि एक पार्ट में ये लोग टेस्ट करते हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग जो टेस्ट होगा ना, उसमें क्या करेंगे ये लोग, ये पूरे पूरे डीएनए को टेस्ट करें हर जगह। तो कोविड का अगर कहीं पे भी पड़ा हुआ है इन्फेक्शन वायरस अगर डीएनए में, तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक। इससे बेनिफिट क्या है देख लीजिए, दिस जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन कैन बी सब्सटेंशली डिटेक्टेड टू पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ वायरस इवन इन सेवरल इंस्टेंस, ठीक है। आप पढ़ेंगे इसको, पॉज करके पढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहीं समझ में आएगा, वहीं है ही इसमें, ठीक है। तो इसमें और क्या है, जीनोम सिक्वेंसिंग, ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन करें। इट्स अलाउ पैरेलल जीनोम सिक्वेंसिंग, गीगा बेस डेटा, रिड्यूस द कॉस्ट पर जीनोम सिक्वेंटली, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए कि किसी को है वायरस, ठीक है, अगर आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि ये रिड्यूस द कॉस्ट पर जीनोम सिग्निफिकेंटली, ठीक है, क्योंकि ये एक ही साथ पूरे जीनोम को जो है आपकी सिक्वेंसिंग पूरे को डिटेक्ट कर लेगा, मेकिंग इकोनॉमिक डेटा मोर एसेसिबल और इंडिविजुअल रिसर्चर, ठीक है। तो यही है आपका नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग जो विकसित कर रहा है सीएसआईआर, ठीक। तो हम लोग चलते हैं आगे, और एक देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज बिकॉज द आरटीपीसीआर टेस्ट आइडेंटिफाई द वायरस बाई एक्सप्लोरिंग ओनली वन सेक्शन, वही जो मैंने बताया आपको, घूम फिर वहीं आपको मिलेगा। बस इसकी जो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के लिए मत फंसिएगा आप लोग। जीनोम मेथड कैन रीड बिगर चंक ऑफ वायरस जीनोम, मैंने कहा था ना कि जिसे बिगर चंक को रीड करेगा, ये पूरा चंक मान लीजिए ये पूरा है, तो इसको 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 ये पूरे चंक को रीड करेगा। और वो क्या है आरटीपीसीआर, वो किसी एक चंक को रीड करेगा, अगर नहीं मिला तो दूसरे चंक को, एक बार में एक ही को रीड करेगा, तो वो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका जीनोम, जीनोम सिक्वेंसिंग इन्वॉल्व स्कैनिंग ऑफ इंटायर, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, जीनोम जनरेशन सिक्वेंसिंग इन्वॉल्व स्कैनिंग द इंटायर वायरस, ठीक है। दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई मोर प्लेस, मतलब ये आइडेंटिफाई कर सकता है मोर प्लेस उस पे वेयर सार सार कोविड टू वायरस डिफर फ्रॉम द रिलेटेड वायरस एंड कैन बी हेल्प इन न्यू डायग्नोसिस टेस्ट, कह रहा ना कि ये कई, अगर मान लीजिए आपके उसमें कई जगह पड़ा हुआ है, तो वो आपको डिटेक्ट करने में आसानी करेगा। टू लिंकेज ऑफ वायरस नेवर सीन बी इंडियन जीनोम वेयर फाउंड, ठीक है। तो वो वहीं घूम फिर आपको, वहीं आपको जो बताया मैंने वहीं इसमें दिया हुआ है। तो इसमें चलते हैं हम लोग आगे, ये है अडू अटॉल, ठीक है। अडू अटॉल जो है इंडियन मालदीप और इंडिया और मालदीप की जो कंट्री है, एक आइसलैंड के साउथ पार्ट पे 5 इकोनॉमिक जोन बना रही है इंडिया, ठीक है। ये है आपका मालदीव, पहले देख लीजिए, इंडिया और मालदीव जो है 5 इकोनॉमिक जोन बना रही है अडू अटॉल आइसलैंड पे, ठीक है। अडू अटॉल आइसलैंड जो है आपका मालदीव का साउथर्न पार्ट है, देखिए ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, ये है मालदीव, और ये है अडू अटॉल, ठीक है। तो ये इको टूरिज्म जोन बनाया जा रहा है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए, जिसमें $5 मिलियन दिया जा रहा है, इको टूरिज्म जोन बनाया जा रहा है। नेचुरल सी बात है, वो इसलिए बनाया जा रहा है कि एक एक इको टूरिज्म के जरिए जो है मालदीव के साउथर्न पार्ट पे इंडियन ओशन में इंडिया अपनी पहुंच बनाना चाहती है चाइना की वजह से, ठीक है। तो ये की सेंटर है, आप इसको लिख सकते हैं उस मीन्स में भी, लेकिन आप इसको देख लीजिए अडू अटॉल है क्या।
से ये नहीं पूछेगा कि $5 मिलियन का जो है इको टूरिज्म जोन, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ जो है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, इस स्कीम के जरिए बनाया जा रहा है। आडू अटॉल को जो है सीनू अटॉल भी कहा जाता है, और ये मालदीव का साउथर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। तो आडू अटॉल होता क्या है इसको एक बार देख लीजिए आप, ये सिंपल सी चीज़ है। फ्रिंज, जब जब ये देख लीजिए ना, जब ये पानी में डूबा हुआ कोई पार्ट जो है ऊपर दिख रहा हो तो इसको फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। बैरियर रीफ इसको इसलिए कहते हैं जब इसके थोड़ा सा किनारे वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ और यहाँ, ये जब डूब जाता है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा बचा हुआ, मतलब बैरियर, बैरियर मीन्स होता है किसी चीज़ को बैरियर बनाना, ठीक है, तो बैरियर इसको कहते हैं बैरियर रीफ। लेकिन अब जब पूरा पार्ट अंदर चला जाएगा पानी में, ठीक है, ऊपर ऊपर पानी दिखे किनारे किनारे, तो इसको कहते हैं अडू अटॉल। देखिए यहाँ ऊपर ऊपर पानी दिख रहा है, इसके भी नीचे वाला पार्ट जो है अंदर चला गया है, इसी को कहते हैं अडू अटॉल, ठीक है। और ए अटॉल इज ए रिंग शेप कोरल रीफ दैट सराउंडेड ए बॉडी वॉज कॉल्ड लैगून, लैगून से ही सराउंडेड होता है ये, इसी को कहते हैं अडू अटॉल, ठीक है। ये इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, कि इस तरह के पार का देखिए, एक्टिव वोल्केनो, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, मतलब जैसे जैसे थोड़ा ऊपर उठेगा तो एक्टिव वोल्केनो रहेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा तो फ्रिंजिंग रीफ हो जाएगा, थोड़ा और वो डूब जाएगा तो बैरियर रीफ हो जाएगा। बैरियर इसलिए होगा क्योंकि उतना ही पार्ट बैरियर बना रहा होता, और जब एकदम सबमर्ज हो जाएगा तो अडू अटॉल होगा। इको टूरिज्म जोन बनाए रहे हैं लोग क्योंकि इसके नीचे तो पहाड़ जो जो बालकोने वाला पार्ट है उसके अंदर है, इसीलिए वो इको टूरिज्म जोन बना रहे हैं इसको लोग, उसको एक्चुअली में अपना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना रहे होंगे, ठीक है। तो आइए अगले न्यूज़ पे चलते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे ये एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन द्वारा 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। 12 अगस्त को जो है इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और ये इसकी शुरुआत 1999 से की गई थी, और 2000 से फर्स्ट 2000 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल IYD इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और तब से एनुअली ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग कल्चरल लीगल इशू, मतलब जो यूथ है उनके बीच में कल्चरल होता है कि बहुत तेज़ी के साथ यूथ के बीच में जो है कल्चरल चीज़ें डिके हो रही है, तो इसलिए मनाया जाता है कि जो यूथ में जो है कल्चरल इशू जिंदा रहे, इसीलिए जो है इसको मनाया जाता है। यूथ इंगेज इन ग्लोबल एक्शन, ठीक है, यूथ को कल्चरल ग्लोबल एक्शन में जो है इंगेज करने के लिए ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। सॉरी, एक मिनट। तो और ये है इंटरनेशनल यूथ डे पे, ये आप रिमेम्बर रखिएगा इसमें क्या क्या है। #31 ऑफ यूथ, ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया था UN द्वारा थ्रू आउट मंथ अगस्त में, किस बात के लिए? हेल्प करने के लिए, स्प्रेड ऑफ वर्ड एंड स्ट्रैक कन्वेंशन सराउंडिंग इंगेजिंग ग्लोबल एक्शन, मतलब जो यूथ को ग्लोबल एक्शन में जो है उसमें उसके बताने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, ठीक है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, इसके लिए #31। 31 इसलिए, 31 डेज इसलिए क्योंकि अगस्त में महीने में 31 होता है, इसलिए 31 पूरे अगस्त भर ये लोग ये कंपेन चलाए हैं। दूसरा है यूथ एंड COVID-19 इम्पैक्ट ऑन जॉब एजुकेशन राइट एंड मेंटल बीइंग, ये पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। सिंपल है इसको रटना क्योंकि याद रखिएगा, यूथ एंड COVID-19 इम्पैक्ट ऑन जॉब, तो जॉब के लिए कौन निकालता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, और आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, ये आप हमको बताइएगा। फाइंडिंग, और दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकाला है, कहा है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूथ जो है एनजाइटी और डिप्रेशन में चली गई है COVID-19 की वजह से, घर में बंद है सब तो सब एनजाइटी करेंगे ही, ठीक है। तीसरा है वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ यूथ, ठीक है, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ यूथ ये अडॉप्ट किया गया था UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1995 में। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइन बनाना, और इंटरनेशनल सपोर्ट करना कि जो है यूथ की प्रॉब्लम जो है, यंग जो है जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सके, ठीक
ठीक है। तो और आगे देखिए, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, यूथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड 2030 रिपोर्ट, ठीक है, रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ये देखिए रिपोर्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल यूथ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड 2030 एजेंडा, रिलीज बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यूएनडेसा, ठीक है। ये क्यों निकाली गई है कि अंडरस्टैंड टू हाउ यूथ सोशल एंटरप्रेन्योर कैन सपोर्ट यूथ डेवलपमेंट, किस तरह से जो यूथ की इंटरप्रेन्योरशिप है वो यूथ के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके और एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन में जो है पार्टिसिपेट कर सके, एसडीजी को जो है सस्टेनेबल गोल को किस तरह अचीव किया सके, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, अगली जो न्यूज है वो रमन है, रमन कुछ है नहीं, इसमें जो है एक प्राइवेट प्लेयर है जिसका नाम है स्काई रूट फर्म, ये हैदराबाद की एक फर्म है जिन्होंने एक एक बहुत हल्का सा रॉकेट लॉन्च किया बनाया है, ये रॉकेट जो है रिसेंटली एयर स्पेस स्टार्टअप है ये स्काई रूट, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे देश में स्पेस में और रक्षा में जो है अभी स्टार्टअप नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये 3D प्रिंटिंग रॉकेट है और इनका नाम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पे रखा गया है, और इसका इंजन जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडिया जो 100 3D बायो प्रोपेलेंट रॉकेट इंजेक्टर को यूज किया गया है, इसको हम कभी बताएंगे क्योंकि ये थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी है, काफ़ी लंबा वीडियो मिलेगा इसलिए हम उसको बता रहे हैं आपको। और ये लोग जो बनाए हैं रॉकेट, फ्यूअर मूविंग पार्ट, इसका पार्ट कुछ ही मूव करेगा, बहुत कम जो है वजन है इसका, मल्टीपल स्टार्ट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पाई ये है कि ये मल्टीपल स्टार्ट है, मतलब एक ही साथ जो है इनेबलिंग लॉन्च वेरियस सेटेलाइट इनटू मल्टीपल ऑर्बिट इन सिंगल मिशन, मतलब एक ही मिशन से अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, ठीक है, तो एक ही लॉन्च से इसमें भी प्लेस कर देंगे, इसमें भी प्लेस कर देंगे, इसमें भी प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको कल कहा था मल्टीपल रीस्टार्ट, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कंपनी ने डिजाइन किया अपना खुद का हाउस सॉफ्टवेयर जिससे जो है ये लॉन्च व्हीकल, मतलब ये नहीं कि इसरो के सॉफ्टवेयर हाउस को ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इसको कंपनी को आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्काई रूट फर्म, ठीक है, ये हैदराबाद की कंपनी है। चलते हैं हम लोग आगे, अब कर लेते हैं रिवीजन, पॉज करके हमेशा की तरह आप लोग इसको करिए और फिर हम करते हैं, फिर आप मैच करिएगा कितना आपका सही हुआ कितना नहीं। अब हम मान सकते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चलिए करते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड, OSOWOG, ये चाइनीज इनिशिएटिव टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग जो CSIR का था, ऑल्सो पैरेलल जीनोम सिक्वेंसिंग, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। रमन इज इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, नहीं, स्काई रूट फॉर्म का एक रॉकेट है इसलिए भी फॉल्स है। अडू अटॉल इज ए साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये भी फॉल्स है, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मालदीव, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।